अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो पार्ट वन आप लोग देख चुके होंगे और पार्ट टू अल्हम्दुलिल्लाह आज एडिट हो गया है। कल मैंने पार्ट वन अपलोड कर दिया था जिसमें आप लोगों ने ये कुछ चीज़ें देखी थी और जो है वो पार्ट टू बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एडवेंचर है, तो आप लोग इसको देखना पूरा बिल्कुल मत भूलिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। अच्छा बता, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है? सर एसी जो कलर है, सर अल्टरनेटिंग कलर और डार्क कलर। ठीक है, आप बताएं। दस से सीख कर आई मैं घर आई, मेरी अम्मा ने मुझे खुलने भी नहीं दिया सॉकेट। अच्छा, ये हम चटाई बनाना सीख रहे थे खजूर के पत्ते से। और वो सामने पानी था और आयशा अपनी मेहनत वेस्ट करते हुए। बहुत अच्छी मेहनत है। सूरत में सोलर एनर्जी को मुतारिफ कराने के लिए बच्चों में एक बेच की शक्ल दे सिलेबस के मुताबिक हम ये सर हमें सोलर एनर्जी के बारे में बता रहे थे। तो भाई अब हमें जो है वो शर्ट प्रिंटिंग सिखाई जा रही थी। हमने ये प्रिंटिंग की भी थी शर्ट्स पे और बेसिकली इसमें सीन ये होता था कि हमारे पास ये जो चीज़ होती थी इसकी मदद से हम प्रिंटिंग करते थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी। उसके बाद फर्नीचर पॉलिश सिखाया जिसमें हमने पहले फर्नीचर शाइनिंग सीखी, उसके बाद जो है वो पॉलिश सीखा। मेरे घर वालों ने मुझे किसी भी फर्नीचर को हाथ लगाने नहीं दिया क्योंकि उनके ख्याल से वो इतना बड़ा रिस्क अपने नाजुक कंधों पर उठाने से कासिर थे। तो वही हम लोग आ गए थे कैंप में और नाश्ते खाने में जो है रात के हमें मिला थी ये दाल, तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो हम मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाई, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर ये चिल टाइम था, हर एक इवेंट के बाद हमें मिलता था ये चिल टाइम। हम सारे कैमराज बंद कर देते थे और वो होता था हमारा चिल टाइम जिसमें हम डांस करते थे और लाइक फन करते थे। और ये मैंने बनाया था। उसके बाद जो है ये एक परफॉर्मेंस है सिर्फ अहन के, आप लोगों ने सुना होगा उसको, ST उसके नाम पे है, लेकिन मैंने जो है वो बंद कर दिया था। मतलब वॉइस की कोई कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। अब आप लोग ये सुन कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी करता है, कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी करता है, पर क्या करेंगे ख्याल, पर क्या करें ये ख्याल, दोपहर में तो पैर में आता है। तो ये शेर सब मेरी जो दोस्तें सामने बैठी हुई है उनके लिए है कि और भी गम है मोहब्बत के सिवा जमाने में, कि और भी गम है मोहब्बत के सिवा जमाने में, आज मेरा पाँव फिसल गया गुसल खाने में। कॉपीराइट प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने सारी बैकग्राउंड वॉइस इरेज कर दी सिवाय उनके जो कि उधर खुद लाइक बोली गई है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और मैं इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। इसमें भी बड़ा अच्छा सा कोई सिंधी टाइप कोई सॉन्ग था लेकिन ऐसे तो लगा सिर्फ ये नाच रही है, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है इसको। तो खैर है।
अगेन कॉपीराइट क्लेम की प्रॉब्लम की वजह से जो वॉइस है वो रिमूव कर दी। इनका भी बड़ा मज़े का था वाला सॉन्ग, नहीं मछली पला के लाऊं पता नहीं क्या, चलो दरिया के किनारे, वो वाला जो बहुत फेमस भी हुआ था वही था। एक बच्ची जो है वो यहाँ पर आई थी जिसकी बर्थडे थी, वो अपने मदर फादर की परमिशन के बगैर आई थी, तो उसके लिए बर्थडे सेलिब्रेशन की हमने, मतलब उसके मदर फादर ने जो है वो फ़ोन करके बताया था अगर मैं होती और मैं इस तरह मम्मी पापा की परमिशन के बगैर चली जाती ना तो सेलिब्रेशन ही चित्तर पड़ते हैं मुझे, तो 27 तोपों की चप्पल समेत सलामी आ रही होती मेरे लिए। ये स्काउट्स के कुछ साइन होते हैं वो सिखा रहे थे हमें, नुकसान हुआ है जलजले की सूरत में, सैलाब की सूरत में, या कोई हादसा हो गया है या किसी अहम शख्सियत की इंतकाल हो गया है तो आप क्या करेंगे? झंडे को सरनगू करते हैं सदमे में ताज़ियत के लिए, ठीक है, हम उनके गम में शरीक होने के लिए हम अपने झंडे को सरनगू करते हैं। तो सरनगू करने के लिए झंडा जितना ऊपर गया है, ये वाइट वाली रस्सी देखे ना, वाइट वाली नीचे वाली वाइट वाला हिस्सा, इतना ही नीचे झंडा आपका आएगा, ठीक है। कैसे अंदाज़ा करेंगे, क्या करेंगे आप? ऊपर तो नहीं चढ़ सकते, तो आप क्या करेंगे, अंदाज़ा करेंगे, यहाँ पर आपने हाथ रखा, एक मरतबा नीचे, दो मरतबा नीचे, और ये तीसरा मरतबा नीचे, ये झंडा हाफ मास्ट हो गया, सरनगू हो गया, ठीक है। ये सदमे में हम ताज़ियत करें, किसी अहम शख्सियत की वफात होती है सरकारी, जिसमें सदर पाकिस्तान हो सकता है, वज़ीर आज़म हो सकता है, या कोई भी वज़ीर हो सकता है, या गवर्नर हो सकता है, अगर उसकी किसी भी नागहानी वफात हुई है तो उस नागहानी वफात में हम उनको अपना ताज़ियत के लिए हम झंडे को सरनगू करते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह आप उसको बांधेंगे, लेकिन इसकी शर्त ये है कि पहले आपको झंडे को फुल मास्क करना जरूरी है, फुल ऊपर तक लेके जाएंगे। ये लंगड़ी पाला का गेम हो रहा था और इसके अलावा प्रस्तर कशी भी थी, मैंने ऐड की शक्ल आ गई थी उसमें मेरी। और अब हम जा रहे सो गाइस, अब आता है मेन एडवेंचर एरिया। तो ये था हमारा एडवेंचर एरिया, यहाँ पे हमने बहुत सारे एडवेंचर्स किए थे, लाइक आप लोग देखें यहाँ पे ये लगे हुए होते हैं, हमें इसके ऊपर से जो है वो जाना होता है और इसके बीच में से जाना होता है, मतलब मैं प्रॉपर इसको रिकॉर्ड मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है। यहाँ पे मोबाइल जो है वो थोड़ा सा बोला था, रिस्ट्रिक्शन थी कि नहीं निकालना, तो मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया है। इस टायर के बीच में से जाना होता है, फिर यहाँ से निकलना होता है, और इस तरह ये बना हुआ होता है, और आगे की तरफ ये दरख्त के ऊपर टायर्स लग रहे होते हैं जिनकी हेल्प से हमें ऊपर चढ़ना होता है। उसके बाद जिस तरह फौज की लाइक ट्रेनिंग में सिनफेहान वाले ड्रामे में भी आप लोगों ने देखा होगा ये, कि इसके ऊपर से फिर चलकर हम आगे जाते हैं, इसमें ये स्पेसेस होते हैं ये इसके ऊपर लटकी हुई होती है, तो फिर वहाँ से दूसरी साइड से जो है वो हम उतरते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, फौज की ट्रेनिंग में भी ये चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ से जो बच्चियाँ थी सारे आगे जा रही थी, उसके बाद देखें इस तरह, फिर उसके आगे जाएं तो यहाँ पे ये रस्सी होती है जिसके ऊपर से चढ़कर हमें जाना होता है, और यहाँ पर उसके आगे फिर एक झूला टाइप होता है वहाँ जाना होता है। तो उसके बाद हम लोग आर्चरी करने चले गए थे और गन शूटिंग, तो गन शूटिंग फिर ये वाली चीज़ होती है। अच्छा, गन शूटिंग में जो है मैंने किया था लेकिन मेरा फेस आ गया तो मैंने वो छोड़ दिया, और यस ये मैं हूँ ये आर्चरी करते हुए, और बिल्कुल जहाँ मैंने निशान लगाया था पॉइंट पे लगा था मेरा निशाना। मैं मशरिक से आई हूँ मोहब्बत का पैगाम लाई, स्काउट क्लब प्लेस को।
मैं इस कैंप फायर के इफ्तिताह का ऐलान करती हूँ। स्काउट क्लब लेट्स गो। कॉपीराइट की वजह से आगे की वीडियो की भी जो वॉइस है वो मैंने मतलब बंद कर दी थी, बिकॉज यू नो कॉपीराइट प्रॉब्लम्स। तो यार राइफल मैंने वैसे तो दो दफ़ा चलाई थी, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं लगाई बिकॉज यू नो कि मेरा फेस आ गया था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा चला था। तो खैर मैंने बहुत इन्जॉय किया यार इस ट्रिप में, और आप लोग आगे आगे देखिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई भाई। उसके बाद हम लोग अपने अपने कैंप्स में आ गए थे, और ये बच्ची थी जिसने हमारी कैंप की, एक बच्ची जिसने बनाई थी चाय, और गाइस बहुत मज़े की चाय बनाई थी उसने, मतलब इतनी सर्दी में बिल्कुल कड़क कड़क चाय, इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा। मतलब मेरा दिल खुश हो गया था इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पीकर। मुझे बिल्कुल ऐसी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाय होती ना, मुझे वो वाली चाय बिल्कुल पसंद है, सो आई जस्ट लव इट। अब बारी है हमारे थर्ड दिन की। तो सुबह सुबह हम चले गए थे यहाँ पर, और ये वापस से वही वाली ट्रेनिंग हो रही है जिसको आप लोग ऑलरेडी मेरे व्लॉग में दो या तीन दफ़ा तो देख चुके होंगे, और अगर ये चौथी दफ़ा या तीसरी दफ़ा है, इस बार थोड़ा सा और बेटर था। अच्छा यहाँ पे ना हर कम्युनिटी के लोग आए थे, मुझे चीज़ बड़ी पसंद आई। हम लोग थे यहाँ पे, बोरा कम्युनिटी आई हुई थी यहाँ पे, हर कम्युनिटी के लोग सब जो हैं वो आए हुए थे, और बड़े मज़े के कॉम्पिटिशन्स थे। मैंने कहीं नहीं दिखाए बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि कैमरा यूज़ करना ना। इन लोग के अपने बैंड ग्रुप भी थे, और फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी। यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, कराची के मिनिस्टर भी आए हुए थे, उनको जो है वो क्या कहते हैं उसको, अजरक थी वो दी थी, और एक और कोई अवार्ड दिया था, उनको अपनी बेटी को भी लेकर आए थे। तो मैं अपनी बेटी को भी स्पेशली लेके आया यहाँ पर, ताकि आपसे इंटरेक्शन भी हो। और अब यहाँ पर हो गई हमारी क्लोजिंग सेरेमनी। हम उठे, हमने बहुत सारी पिक्चर्स बनवाई, हमने खाना लिया, और अब टाइम था घर जाने का। और फाइनली घर को मिस करने वाले सारे बच्चे अपने घर जाने के रेडी थे, लेकिन बहुत एंजॉय किया हमने पूरे कैंप के उसमें, और हम ये हमेशा जो है याद रखेंगे। और ये फाइनल लुक है हमारे कैंप का, तो बेसिकली हैंगर साइड में लगा है, वो दिख नहीं रहा, ये पूरा हमने बनाया था, ये हमारा कैंप था उस साइड वाला, ये वाला कहाँ गया, ये रहा ये रहा। तो बहुत मज़ा आया साथ मिलके, और इंशाल्लाह अगली बार भी आएंगे, और अगली बार एक नया और डिफरेंट और अच्छा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, और इम्प्रूव करके इसकी क्वालिटीज़ वगैरह इंशाल्लाह। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, बाय बाय। सो आई होप यू लाइक माय व्लॉग, बाय बाय, गेट रेडी फॉर न्यू कॉन्टेंट, बाय बाय।